आज हम बनाने वाले हैं आलू और कटहल की बीज वाली सब्जी जो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसके पहले हमने बिना बीज वाला कटहल की रेसिपी शेयर की थी, तो आप एक बार इस तरह बनाकर ट्राई जरूर कीजिएगा। ये बीज वाली सब्जी है, बहुत ही झटपट बन जाती है। तो यहाँ पर हम कढ़ाई में डालेंगे सरसों तेल, उसमें डाले हैं 5 फोड़न और ये हाफ बॉयल किया हुआ आलू है, तो इसे हम डालकर अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। इसे पूरा बॉयल नहीं किए हैं क्योंकि ये पूरा गल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 बारीक काटा हुआ प्याज डाल दिए हैं हम, तो आलू का कलर थोड़ा अच्छा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तब यहाँ पर हम प्याज को डाल देंगे और प्याज को डालने के बाद भी देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, तो ये अच्छे से फ्राई हो गया है। लगभग 50% तक प्याज फ्राई हो गया है, आलू का भी अच्छा कलर आ गया है। तब इसमें हम कटहल को अच्छे से धोकर साफ कर लिए थे और इस तरह टुकड़ों में काट लिए थे। ये बीज वाली कटहल है तो इसे भी हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। आप इस तरह बनाइएगा तो बहुत ही झटपट बनता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो देखिए यहाँ पर हम अच्छी तरह से कटहल को भी बीच बीच में चलाते हुए फ्राई कर लेंगे और उसके बाद अच्छा कलर आ जाएगा, तब इसमें डालेंगे हम मसाले। तो देखिए कटहल अब अच्छे से फ्राई हो चुका है। डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, जीरा गोलकी पाउडर, धनिया पाउडर डाल देंगे और ये हरी मिर्च का पेस्ट है और अदरक लहसुन का पेस्ट, इन सबको डालकर हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर लाल मिर्च का भी पाउडर डाल सकते हैं, पर यहाँ हम सिर्फ हरा मिर्च का पेस्ट डाले हैं। तो इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये बॉयल किया हुआ कटहल नहीं है, ये कच्चा कटहल है, बहुत ही जल्दी पक जाता है, बॉयल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर तेज पत्ता डाल देंगे 2 और यहाँ पर थोड़ा सा चिकन मसाला का पाउडर डालेंगे हम। चिकन मसाला पाउडर डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप नहीं है तो गरम मसाला का पाउडर भी डाल सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे क्योंकि मसाले जले ना और अच्छे से फ्राई हो जाएंगे मसाले, तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे लगभग 2 से 4 मिनट तक। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है, मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम एक कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे सारी सब्जियों को। तो यहाँ पर देखिए फ्राई करने के बाद हम कुकर में ट्रांसफ़र कर लिए हैं और जो मसाले लगे हुए थे कढ़ाई में से उसमें डाल दिए इसमें पानी, क्योंकि ये बॉयल किया हुआ कटहल नहीं था। तो इस तरह हम कुकर में डालकर और पानी डाल देंगे क्योंकि पानी थोड़ा लगेगा, अगर बॉयल किया हुआ कटहल है तो पानी कम डालिएगा और ये बॉयल किया हुआ नहीं है तो लगभग सब्जी जितना है उतना हम पानी डूबने भर डाल देंगे और एक से 2 सीटी लगाएंगे। देखिए कितनी स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ज़्यादा यहाँ पर ग्रेवी वाली सब्जी नहीं बनाए हैं, आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, पानी या कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं ग्रेवी के अनुसार। तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छा स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार है। ये थोड़ी सी ड्राई रहती है तभी ज़्यादा अच्छी लगती है बीज वाली सब्जी, तो एकदम मस्त परफेक्ट बनी है। तो आप इसे रोटी, चावल, पराठा किसी के भी साथ खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो एक बार इस तरह बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे